कि मनुष्य को बुद्धि में विवेक मिलता है गुरु के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, संतों के द्वारा। यदि ये जीवन में ना हो तो हम अज्ञानी रह जाएंगे। अज्ञानी में और जानवरों में कोई अंतर नहीं। तो मनुष्य की बुद्धि को ज्ञान से संपन्न करने वाले ये गुरु हैं, इसलिए कहा आचार्य देवो भव। तो माता पिता, अतिथि और गुरु, यहाँ गुरु में वो भी आ जाते हैं जो हमारे बड़े हैं, ताऊ चाचा आदि, वो सब बड़ों में है, क्योंकि उन सब से हमको कुछ मिलता है सीखने को, आशीर्वाद तो मिलता है। तो बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जो अपने सास ससुर का, माता पिता का, स्त्री पुरुष तिरस्कार करते हैं, अगले जन्म में पक्की बात है जानवर बनेंगे, हाथ उनको दिए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से कमा के अपना पालन पोषण किया, अपने बच्चों को पाल लिया। तो भगवान कहते हैं ये काम तो जानवर भी कर रहे थे, बिना हाथों वाले जानवर भी कर लेते हैं, अपना भी पेट भर लेते हैं, बच्चों का भी भर देते हैं, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। अपने माता पिता की सेवा करो, सबसे पहले थाली उन्हीं के पास जानी चाहिए, और उनकी सेवा में कोई भी धन खर्च हो तो उसको हानि नहीं माननी चाहिए, ये उन्हीं का तो है हमारे पास, हमारा शरीर उन्हीं का दिया हुआ है, हमारे पास पढ़ाई उन्हीं की दी हुई है, हमारे पास मकान उन्हीं का दिया हुआ है, जमीन जायदाद उन्हीं की दी हुई है, ये शरीर उन्हीं का दिया हुआ है, तो सब कुछ तो उन्हीं का है। उन्हीं की वस्तु में से कुछ उनको दे दिया तो हानि थोड़ी है, बल्कि कर्जे से मुक्त हो रहे हो। इससे सर्वप्रथम हम अपने माता पिता का ध्यान रखें। ये कलयुग की संतानें सब तो नहीं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन अक्सर देखा मैंने कलयुग की संतानें जितना अपने संतान को महत्व देती है उतना अपने माता पिता को नहीं, जिनकी हम संतान हैं। जितना तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो ना, तुमको तो प्रेम का अनुभव हो चुका है ना, बच्चों में कितनी ममता होती है, तुमने तो अपने बच्चों से प्यार किया है, तो जैसे तुम्हारा अपने बच्चों से प्यार है, तुम भी किसी के बच्चे हो, वो तुमसे भी प्यार करते हैं, इसलिए उनके प्यार को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, कभी तिरस्कार उनका नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मनुष्य को मानवता का प्रथम गुण धारण करना हुआ है मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, इनका मान करना चाहिए। घर में कोई भी आ जाए प्रणाम करें, हाथ जोड़ करके मान करें, संतों से भी चलाकियां ना करो, सरल स्वभाव, ना मन कुटलाई, सरलता बरतो, चलाकियां ना खेलो, सरल बन के रहो। माता पिता के आगे उनसे भी चलाकियां मत करो, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मारो। जो अपने माता पिता का अनादर करता है, आचार्यों का, संतों का, गुरुओं का, शिक्षकों का अनादर करता है, अगले जन्म में उसको शिक्षा नहीं मिलेगी, जानवर बनेगा, जानवर स्कूल नहीं जाते, जानवरों की पाठशाला नहीं है। और दूसरा है मनुष्य का, उन चीज़ों का अवश्य दान करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, दान। जो मनुष्य दान नहीं करते वो भी अगले जन्म में जानवर बनते हैं, क्योंकि जानवर कभी दान कर नहीं सकते। तुमने मनुष्य बनकर भी दान नहीं किया, जाओ जानवर बनो। तो इसलिए जहाँ भी जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ पर दान करना चाहिए। जैसे मंदिर बन रहा है आपके यहाँ, तो मंदिर में दान करना चाहिए। जो मनुष्य दान नहीं करता है, अगले जन्म में जानवर बनने की तैयारी कर रहा है। दान करना के लिए मनुष्य का ही अधिकार है, जानवरों का नहीं। इसलिए हम जानवर न बने, दान करें, धन का दान करें। जो भी हम मनुष्य चीज़ें प्रयोग करता है, देखो जानवर कपड़े नहीं पहनते, मनुष्य पहनता है। यदि सोचो कि अगला जन्म मनुष्य को अर्थात अगले जन्म में कपड़े मिले, तो वस्त्र का दान करना चाहिए। जो वस्त्र का दान नहीं करते उल्टा वस्त्र की चोरी कर लेते हैं, दान नहीं करते वस्त्र का,
अगले जन्म में जानवर बनेंगे, लो जी अब कपड़े पहन ही नहीं पाओगे क्योंकि तुमने दान ही नहीं किया वस्त्र का, अब कपड़े नहीं मिलेंगे। इसलिए 84 लाख योनि में सब नंगे घूमते हैं। जानवर नंगे क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि जब ये कभी इंसान थे तो कपड़ों का दान ही नहीं किया, इसलिए अब कपड़े नहीं मिलेंगे इनको, अब घूमते रहो नंगे। इसलिए वस्त्र का दान करना चाहिए, जूतों का दान करना चाहिए। ये जूते मनुष्य ही पहनता, जानवर नहीं पहनते। जो जूते का दान नहीं करता वो अगले जन्म में जानवर बनता है। लो जब कभी जूते मिलेंगे नहीं, जूते पहन नहीं सकते, इसलिए जूते का दान करो। सोने चांदी का दान, आभूषण का दान अपने गुरु को, पुरोहित को, ब्राह्मण को, ब्राह्मण कन्या का विवाह, वहाँ कुछ सोना दान करो। जैसे मूर्तियाँ बन रही हैं, यहाँ सोना दान करो। कारण क्या? क्योंकि सोने का उपयोग केवल मनुष्य करता है, जानवर नहीं करते। मतलब मनुष्य जो प्रयोग करता है अपने लिए, उन चीज़ों का यदि दान कर दो, भले भजन ना करो, गारंटी है स्वर्ग मिलेगा अगले जन्म में। मनुष्य बनोगे, जानवर नहीं बनोगे, क्योंकि तुमने स्वर्ण दान किए हैं। तो ये आभूषण मनुष्य पहनता है, जानवर आभूषण नहीं पहनता। इसलिए तो होता है ना, अब जीते जी दान नहीं करना, मरने के बाद कहता सैया दान करो। ये सैया पे मनुष्य सोता है, जानवर कोई नहीं सोता। अर्थात ये खटिया, पलंग, बेड कुछ भी कह लो, ये बिस्तर केवल मनुष्य के भाग्य में, जानवरों के भाग्य में नहीं। तो बिस्तर का भी दान करना चाहिए, सैया का भी दान करना चाहिए। जो सैया का दान नहीं करते अगले जन्म में सैया नहीं मिलेगी, बिस्तर का दान नहीं करते अगले जन्म में बिस्तर नहीं मिलेगा। और बिस्तर किसको नहीं मिलता? सबको पता, जानवरों को बिस्तर नहीं मिलता। बिस्तर पे केवल मनुष्य सोता है, जानवर नहीं। लेकिन हम लोग करते क्या, जीते जी दान नहीं करते। करेंगे कब? जब व्यक्ति मर जाएगा उसके नाम से फिर सैया दान करेंगे, छाता, जूता, कपड़ा, मरने के बाद दान करते, उसका भी लाभ है लेकिन बहुत कम। अपने हाथों से दिया गया दान, इसलिए मनुष्य जिन जिन चीजों को अपने लिए वो प्रयोग करता है वो दूसरों को अवश्य दान करने चाहिए। और दूसरा, भोजन बना करके किसी को दान करना चाहिए। ठीक है, आप लोग आटा सीधा दान करते हैं, ये भी करना चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्व है बना करके, पका करके दान करो भोजन। अर्थात भंडारे किया करो, जैसे आज यहाँ भंडारा है, भंडारे में दान करो। पका करके भोजन के लिए मनुष्य खाता है और कोई नहीं खाता। जानवरों में चींटी से हाथी तक उनका जो भोजन है, जैसे गाय भैंस घास खाते हैं, उसमें तड़का थोड़ी लगाएंगे उनके घास में, नमक मिर्च डाल के स्वादिष्ट बना करके उबाल के थोड़ी। हाँ, दूध के लिए भले तुम अपने दूध के लिए उनको कुछ खिला दो, दलिया उबाल के, वो तो दूध के लिए है, गाय के लिए नहीं है, वो तो दूध के लिए। तो जानवर पका कर नहीं खाते, शेर मांस खाता है पका कर नहीं खाता, गाय भैंस घास खाती है उबाल के नहीं खाती। तो इसलिए पका करके अन्न दान करना चाहिए, खिलाना चाहिए। इसलिए घर में कोई अतिथि आ जाए, खुशी मनानी चाहिए कि अब हम पका करके इनको खिलाएंगे। लेकिन होता क्या, जीते जी पका करके भोजन संतों को, ब्राह्मण को, गरीबों को खिलाते नहीं, और मरने के बाद फिर तेरी भी भंडारा करते हैं। वो भी गरीब के लिए नहीं करते, अपना ही परिवार खाता है, अपने रिश्तेदार खाते हैं, गरीब उसमें भी नहीं होगा, संत वहां भी नहीं होंगे। तो एक पका करके भोजन करना चाहिए, माने दान करना चाहिए, भंडारा अर्थात अवश्य करना चाहिए।